मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि उद्योग बंधुओं की बैठकों को और प्रभावी बनाया जाए तथा उनकी समस्याओं का समयबद्ध ढंग से गुणवत्ता युक्त निस्तारण सुनिश्चित हो। मंडलायुक्त ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों तथा विभिन्न विभागों के मध्य सीधा संवाद एवं समन्वय स्थापित करना तथा उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण तथा मंडल में अधिकाधिक औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रकरणों का निस्तारण प्रमुखता के आधार पर करें ताकि प्रकरण की पुनरावृत्ति न हो सके। उन्होंने गीडा सेक्टर में नालियों की सफाई एवं मरम्मत तथा गीडा में हो रहे अतिक्रमण का समाधान शीघ्र करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ODOP वित्त पोषण योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा पवन अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त उद्योग रवि शर्मा सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी तथा उद्यमी बंधु मौजूद रहे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा द्वारा अवगत कराया गया कि गीडा क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाई से उत्सर्जित प्रवाह के शोधन हेतु 7.5 MLUT का CUTP की स्थापना हेतु 62.50 लाख का संशोधित DPR उत्तर प्रदेश जल निगम कोर द्वारा तैयार कर प्रेषित किया गया। उक्त DPR के परीक्षण हेतु मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि DPR का परीक्षण NMCG से करा दिया जाए। DPR का NMCG से तकनीकी परीक्षण हेतु भेजा जा चुका है। इस संदर्भ में 28/1/21 को NMCG के कार्यालय जल निगम एवं गीडा द्वारा बैठक की गई थी। कराने हेतु IIT रुड़की को 4/2/2021 को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। NMCG द्वारा DPR की TPA हेतु IIT रुड़की से कराया जा रहा है। नाली के सैंपल लेते हुए रिपोर्ट NMCG व गीडा को भेजी जा चुकी है। दिनांक 2/7 को ऑनलाइन मीटिंग कराए में उठाए गए बिंदुओं के दृष्टिगत DPR में संशोधित कर DPR को संशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा DPR दिनांक 16/8/2021 तक प्रेषित किए जाना प्रस्तावित है। यहाँ पर गीडा क्षेत्र में पाइप नेटवर्क की डिजाइनिंग की जा रही है। DPR संशोधन के संबंध में 12/7/2021 एवं 13/7/21 को NMCG के कार्यालय में जाकर उत्तर प्रदेश जल निगम के साथ ऑनलाइन मीटिंग आयोजित कराई गई, जिसके अंतर्गत तकनीक की जा रही है संशोधित की जा रही है। UP जल निगम द्वारा NMCG एवं गीडा को संशोधित DPR उपलब्ध कराई जाएगी। एनवायरमेंट क्लियरेंस प्राप्त करते हुए ई निविदा के माध्यम से गीडा द्वारा CEP का कार्य कराया जाएगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कृपया समिति को आवेदन पत्र से होता है। बहुत छोटा करके फिर बाद में
हम लोगों को लगेगा कि सब इंडस्ट्रियल के अब नया एक और करना है, ठीक है, या तो जो लगा दिया गया है उसका कैपेसिटी टेक्नोलॉजी हम लोग अपनाते हैं कि उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी करा दें, ठीक है। ये तीन चार चीज आप ध्यान में रख करके इसमें एम एल डी का आप करवा रहे हैं मिला हमारे पास है बढ़ाना है, फिर हम लोग दोबारा दूसरे जगह ले जाने के लिए 15